नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन क्या है पोटेंशियोमीटर का, कैसे यूज़ होता है पोटेंशियोमीटर, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है अभी। ठीक है, तीन एप्लीकेशंस हैं मेनली, तो तीन ही यूज़ करते हैं, दो ही हैं एक्चुअल में, तो थर्ड भी यूज़ कर लेंगे हम लोग। कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल, दो सेल की EMF को कंपेयर करना है अभी आपको। तो आपके पास दो सेल हैं अभी, पता ही नहीं कितना EMF है उसका, कितना पोटेंशियल डिफरेंस उनके पास मैक्सिमम भाई, पता कैसे करोगे? बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, भी लिखा मिलेगा आपको, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल में, थ्री मार्क्स में। अब आपको पता है कि एक पोटेंशियोमीटर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ वायर होती हैं अभी इन सीरीज कम्बिनेशन। हम डायग्राम में बार बार ये नहीं बनाएंगे, ये ऑब्वियस है, ए पोटेंशियोमीटर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ वायर्स भी। तो उसके लिए हम शॉर्ट बनाने के लिए क्या करें, एक सिंगल वायर ही दिखाएंगे पूरे डिवाइस में। एक्चुअली पूरी एक ही तो वायर हो सीरीज में, तो है, समझ में आया कि नहीं आया? तो हम उसको सिंपल डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको एक सिंगल वायर की तरह ही दिखाया जाएगा। तो उसमें क्या था, एक स्ट्रिप लगी हुई है, ए यहाँ पे एक वायर बंधी हुई है, ये स्ट्रिप कौन सी थी, पॉइंट बी, याद है ना, ए और बी में बहुत सी वायर जुड़ी हुई थी इन सीरीज कम्बिनेशन। फिर क्या था, ए और बी में एक बैटरी जुड़ी हुई थी, याद है, यस आर नो? एक एमीटर लगा हुआ था, एक रियोस्टेट लगा हुआ था, यस आर नो? इट इज़ RH। ये क्या था, ये पोटेंशियोमीटर था भाई, यहाँ पे एक स्केल थी जो मैंने वहाँ पे नहीं दिखाई थी, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बंधी हुई है, कि मीटर स्केल लगी हुई है मेजरमेंट करने के लिए, जो रीडिंग आएगी आपकी उसको देखने के लिए, सही है। इस पॉइंट के साथ या तो हमने पहली बार क्या जोड़ा था, वोल्ट मीटर जोड़ा हुआ था भाई, क्योंकि अब ये बार वोल्टेज ना माप के करंट माप रहे हम लोग, क्या जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर भी, क्या जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर। इट मेजर करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो भी, दोनों काम करता है, कर लोगे। अब आपको क्या जोड़ना है, अभी आपको जोड़ना है ऐसा डिवाइस भी, अभी जोड़ेंगे इसको। चलो हमारे पास दो बैटरियाँ हैं अभी, जिसका EMF मेरे को कंपेयर करवाना है अभी। एक बैटरी है, एक बैटरी है, दो सेल है मेरे पास है जिसका EMF को पता ही नहीं है कितना है, उनका रेशो चेक करना आपको। ये EMF कितनी मान लेते हैं, E1, ये वाली कितनी है, E2, सही है भाई। अब इनकी रेशो चेक करनी है आपको, व्हाट इज द रेशो ऑफ E1 बाई E2 या E2 बाई E1 भी। ये यहाँ पे लगे हुए हैं ऐसे विद ए की, यहाँ पे जुड़ा हुआ एक जी, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर विद ए जोकी, जोकी क्या थी, जी। ये क्या चीज़ है अभी जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है, ये की है अभी, इसको बोलते हैं टू वे की, TWO टू वे की। बटन देखें, ये सिंगल वे है, ऑन ऑफ या ऑफ, दो ही कंडीशन है, ऑन या ऑफ। आपने ऐसे स्विच देखे होंगे जो बीच में तो ऑफ होते हैं, ऊपर भी ऑन होते हैं और नीचे भी ऑन होते हैं, तीन जगह पे देखे हैं ऐसे स्विच भी, या सर ना, ये टू वे की है भी, वो बटन है ऐसे, कर लोगे? यानी अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो बैटरी E1 आ जाएगी सर्किट में, अगर मैं इसको जोड़ूंगा 2 और 3 को, बैटरी E2 आ जाएगी सर्किट में भी, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? डायग्राम बनाओ, देखो, ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर कनेक्टेड एज शोज इन डायग्राम भी। ये बात समझ में आ रही है, ये चीज़ लिखोगे इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक बनने वाले हैं भैया, ऐसे नहीं है, डायग्राम बना दिया आप, ढंग का डायग्राम बनाओगे आधे पेज पर दिया गया डायग्राम आपका भाई, 4-5 लाइन और लिख दी, 3 नंबर पक्के हो गए भाई, क्यों बिना बात की पेज भर रहे हैं हम लोग, क्यों टाइमर बात करें, स्मार्ट राइटिंग कीजिएगा, समझ में आई? इसमें नंबर नहीं कटेंगे आपके, डायग्राम अच्छा होना चाहिए उसके लिए, फिर आप कर लोगे। तो इसमें देखिए अभी आगे लिखो, व्हेन वी कनेक्टेड 1 और 3 की, 1 और 3 की, व्हेन वी कनेक्टेड 1 और 3 की,
देन सेल ई वन, देन सेल ई वन इज इन द सर्किट भी, सेल ई वन किस में आ जाएगा, सर्किट में आ जाएगा भाई, समझ में आई बात है, सेल ई वन इज इन द सर्किट, एंड एंड जे इज द पॉइंट, एंड जे इज द पॉइंट वेयर जी शो जीरो डिफ्लेक्शन, जे इज द पॉइंट वेयर जी शो जीरो डिफ्लेक्शन, हो गया, क्या बोला मैंने, मैंने वन और थ्री को यहाँ पे ऑन कर दिया, इसको मिला दिया गया, और जॉकी को घुमा रहा हूँ वायर के ऊपर भी, आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे जी क्या शो करे, जीरो शो करे भी, अब इमेजिन कर पा रहे हो जी ने जीरो शो किया भी, इसका मतलब क्या है भाई, इस पूरी वायर में से करंट की वैल्यू जीरो है भी, जबकि बैटरी लगा रखी हम लोगों ने, समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे पॉसिबल है भाई, इस पूरी वायर में से करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, करंट जीरो कब हो सकता है बैटरी लगाने के बाद भी, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, भी इन पॉइंटों का पोटेंशियल क्या हो जाए सेम, तो इनके बीच में जीरो करंट फ्लो करेगा, जो करंट फ्लो नहीं करता है जीरो पोटेंशियल्स भी, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए जीरो, उस पर करंट फ्लो नहीं कर सकता है, यानी सीधी सी बात यह है कि पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट एंड पोटेंशियल ऑफ जे पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया भाई, या ये बोल सकते हो पोटेंशियल ऑफ ए जे वायर इज बिकेम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए ई जे वायर भी, इसमें से दोनों का पोटेंशियल बराबर हुआ, डिफरेंस जीरो हुआ, जीरो डिफरेंस पे करंट फ्लो नहीं करता कभी भी, बैटरी जोड़ रखी हम लोगों ने, समझ में आई कि नहीं आई, तो लिख लीजिएगा क्या लिखवा था मैंने लास्ट लाइन में, जी शो जीरो डिफ्लेक्शन, तो मैं लिख देता हूँ ए जे जो मेरा लेंथ है वो एल वन के बराबर है अभी, जो लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक की कितने है ये एल वन के बराबर है, हो जाएगा, आगे लिखिए इट मीन दैट, इसका मतलब क्या बताएंगे आपको अभी, इट मीन दैट पोटेंशियल ऑफ ए बिकेम इक्वल टू, पोटेंशियल ऑफ ए बिकेम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ जे, ओके, पोटेंशियल ऑफ ए बिकेम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ जे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया जीरो, और जीरो पे करंट फ्लो ही नहीं कर सकता भाई, समझ में आया कि नहीं आया, या और लिखिए और डाल के लिखिए, पोटेंशियल ऑफ ए जे वायर बिकेम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए इवन जे, बिकेम इक्वल टू ए इवन जे, इसके बराबर हो गया अभी, इस वायर का पोटेंशियल, इस वायर का पोटेंशियल क्या हो गया बराबर, तो डिफरेंस कितना जीरो, आंसर इज जीरो, यस और नो, अगर इस कंडीशंस के लिए मैं अप्लाई करता हूँ पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भाई ईवन के लिए, क्या आंसर आएगा, ईवन इज इक्वल टू के एल वन भाई, प्रिंसिपल था वी इज इक्वल टू था ना, तो अब मैक्स यूज कर रहा हूँ मैं, व्हाट इज ई द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी, यस और नो, समझ में आया, यस और नो, इक्वेशन फर्स्ट भाई, ये तो पूरा हो गया अभी, टॉप लाइन ही दो है भाई, एक ये एक नेक्स्ट भी लिखवाऊंगा वो हो जाएगा, आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, देन वी कनेक्ट टू एंड थ्री भी, देन वी कनेक्ट टू एंड थ्री, टू और थ्री को जोड़ा गया, ठीक है, एंड एंड जे डैश इज द पॉइंट, जे वन ले ले, जे वन इज द पॉइंट, डायग्राम बनाना भी है इसके लिए, बैटरी सेकंड के लिए, ये जरूरी नहीं है ईवन बराबर यूज करें हम लोग, ठीक है भाई, जे वन इज द पॉइंट वेयर जी शो जीरो डिफ्लेक्शन, जे वन इज द पॉइंट वेयर जी शो जीरो डिफ्लेक्शन, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बैटरी जोड़ी हुई हम लोगों ने, E2 बैटरी जोड़ दी, अब यहाँ पे जॉकी को घुमा रहे हैं, ऐसा पॉइंट जे डैश आया जहाँ जीरो, जी ने क्या शो किया होगा, जीरो शो किया होगा, इसका मतलब क्या भाई, जितना पोटेंशियल ए पे है उतना पोटेंशियल कहाँ पे, अभी जे वन या जे डैश पे, जो भी हम यूज कर रहे हैं, देख लीजिए, इट मीन दैट पोटेंशियल ऑफ ए बिकेम इक्वल टू
पोटेंशियल ऑफ ए बिकेम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ जे वन भी, पोटेंशियल ऑफ ए जे वन, दोनों का पोटेंशियल सेम है, डिफरेंस जीरो है, करंट फ्लो नहीं कर सकता वायर से। तो इस कंडीशंस के लिए मैं मान लेता हूँ ए जे डैश जो भी आंसर आएगा, जे वन जो भी है, इट इज एल टू भी, कोई लेंथ होगा एल टू, यस और नो। इसके लिए अप्लाई कीजिए प्रिंसिपल भी, ई टू इज इक्वल टू क्या लिखोगे के एल टू, के को सेम क्यों रखा मैंने, बाकी तो चीज कॉन्स्टेंट है भाई, सेम वायर यूज कर रहे हैं हम लोग, यस और नो। इक्वेशन सेकंड भी, डिवाइडिंग वन बाई टू, वन को टू से डिवाइड कीजिए, क्या आंसर आएगा ई वन बाई ई टू इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू भी, के कैंसिल हो गया, यस और नो। क्या आपको एल वन एल टू पता है, निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल भाई, क्या आप निकाल सकते हो इसकी हेल्प से ई वन ई टू का रेशियो कितना होगा भाई, यस भाई। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर भी, हमने पहले निकाला हुआ है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर्स भी, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखिए सिंपल है भाई, वही यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर। ए पोटेंशियोमीटर हैविंग ए मल्टीपल वायर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सर ना, तो उसके लिए हम एक ही वायर दिखाते हैं कि डिवाइस बढ़ाना बन जाए भी। तुम्हारे पास एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी वायर दो पॉइंटों के बीच में बंधी हुई है अभी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सही है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट कौन सा है बी, ईच वायर ऑफ लेंथ वन मीटर भी, कर लोगे। यहाँ पे हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट किया, ए एमीटर कनेक्ट किया और एरियोस्टेट जोड़ा भी, आगे बताएंगे एरियोस्टेट क्यों जोड़ा गया है, टॉपिक पूरे हो जाएंगे हमारे। कौन सी, नहीं भाई दो हैं, मैग्नियन और कॉन्स्टेंटेंट, वैसे अलॉय हैं जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से इनके रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता भाई, समझ में आया कि नहीं आया। स्पेशल अलॉय यूज़ किया गया है, किसका बना हुआ है, कॉन्स्टेंटेंट और मैग्नियन का भी। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे एक स्केल लगा होता है आपको पता है रीडिंग लेने के लिए भी, और जो भी हमने जोड़ना है इन पॉइंटों के बीच में जोड़ना होता है, ए और बी के बीच में। अब की बार किसका निकालना हमको, हमें निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ ए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो पक्का यहाँ पे क्या जोड़ाएंगे, एक सेल जोड़ दें जिसका ईएम कितना है ई, रेजिस्टेंस कितना है इसका आर, निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया अभी, तो ऐसा करते हैं इसका ईएम कितना मान लेते हैं ई, यहाँ पे जोड़ देंगे एक गैल्वेनोमीटर भी, क्या मापने के लिए करंट, तो जुड़ा होगा किसके साथ भाई, जो कि जे के साथ में, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भाई। इस सेल के पैरेलल में भी एक रेजिस्टेंस लगाया होगा भाई ऐसे विद ए की के मार लेते, रेजिस्टेंस कितना है ये आर, समझ में आया कि नहीं आया अभी, एनी प्रॉब्लम क्लास, डायग्राम बनाओ। याद रखिएगा पोटेंशियोमीटर के अंदर ये जो बैटरी होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी भी, बाकी सारा सेकेंडरी होता है, इसका आंसर मेन बैटरी यही है, ड्राइवर सेल यही है, क्यों क्या बोलते हैं इसको प्राइमरी बैटरी बोलते हैं या ड्राइवर सेल बोलते हैं, सही है। सेकेंडरी वाले अकाउंट होते हैं सारे भी, मतलब सेकेंडरी तो सेल का मतलब नहीं है, और कोई है, मेन बैटरी यही है, बाकी तो निकाले हुई चीज़ें हैं सारी जिसकी निकाल ली हमको, ठीक है। सारा जो पोटेंशियोमीटर काम किस पे करता है, इस बैटरी पे काम करता है। देख लीजिए, वी कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वी कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एज शोज इन डायग्राम, वी कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एज शोज इन डायग्राम, जरूरत नहीं है आपको बार बार बताने की कैसे जोड़े हुए हैं, कर लोगे। अब देखो भाई टॉपिक करना कैसे है, इनिशियली क्या करोगे आप लोग, के को ऑफ रखिए भी, मतलब की इज ओपन भी, जब की ओपन है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस काम ही नहीं कर रहा भी, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मान सकते रेजिस्टेंस मेरे पास है ही नहीं भी, कर लोगे भाई। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जॉकी को वायर पर स्लाइड करवाइएगा, ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहाँ पे
जी क्या शो किया होगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो किया होगा। मान लेते हैं वो पॉइंट जी है भी, और ए जे का लेंथ कितना है एल मान या एल वन मान लेते हैं, दो लेंथ आएंगे यहाँ पे एल वन भी कर लोगे। लिख लीजिए व्हेन के इज ओपन भी, की के इज ओपन, व्हेन की के इज ओपन देन रेजिस्टेंस आर इज नॉट इन द सर्किट भी, देन रेजिस्टेंस आर इज नॉट इन द सर्किट। रेजिस्टेंस आर किस में नहीं है, सर्किट में नहीं है, पक्की बात है, यस और नो? ठीक है। एंड जे इज द पॉइंट, जे इज द पॉइंट वेयर वेयर जी शो जीरो डिफ्लेक्शन भी, जी शो जीरो डिफ्लेक्शन। समझ में आया बात? देखो भाई इसका मतलब क्या है, किस वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये बात सही है कि नहीं है? जब इस वायर में से करंट ही नहीं फ्लो कर रहा तो ये बोल सकता हूँ कि सेल ओपन सर्किट में है भाई, यस और नो? सेल यूज ही नहीं हो रहा मेरा भाई, अगर होता तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती यहाँ पे। जब बोल रहे हैं कि ये इस वायर में से करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, मतलब क्या इस बात का? दो बात है भाई, ये तो पोटेंशियल ऑफ ए और जे बराबर होगा कि जीरो पोटेंशियल पे करंट फ्लो ही नहीं करता, यस और नो? जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो बैटरी यूज ही नहीं हो रही भाई, जब बैटरी यूज नहीं हो रही तो कौन सी एफ है उसकी, मैक्सिमम है, पोटेंशियल क्या है उसका, मैक्सिमम है। तो क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसकी, ई एम एफ को यूज़ कर रहे होंगे अभी। समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्या लिखवाया मैंने, जी शो जीरो डिफ्लेक्शंस। इट मीन दैट पोटेंशियल ऑफ ए बिकेम इक्वल टू, पोटेंशियल ऑफ ए बिकेम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ जे, पोटेंशियल ऑफ ए बिकेम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ जे। ए और जे का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया अभी, हो जाएगा। तो अगर आप प्रिंसिपल यूज करते हो पोटेंशियोमीटर का, क्या बोलता है भाई, याद है वी इज इक्वल टू के एल वी, हो जाएगा। जो डिस्टेंस है ए जे, इसका वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, ए जे बराबर है किसके, एल वन के बराबर मान लेते हैं, ए जे इज इक्वल टू एल वन, कोई लेंथ तो होगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी किसका भी ये लिख सकता हूँ, जो सेल काम ही नहीं कर रहा, मैक्सिमम होगा उसका भी, कर लोगे। ए इज इक्वल टू क्या होगा, के एल वन भाई, इज द फर्स्ट इक्वेशन बाई यूजिंग प्रिंसिपल्स, यस आर नो? एनी प्रॉब्लम भाई? आगे लिखिएगा, इतना लिख दिया, आगे लिखिए, देन क्लोज द की के, देन क्लोज द की के, की को क्लोज कर दीजिएगा। जब की को क्लोज करोगे कुछ करंट यहाँ से फ्लो करेगा रेजिस्टेंस से, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी, यानी इसके पास मैक्सिमम तो बची नहीं भाई, अब क्या हो, यूज्ड है भाई, यस और नो? फिर अब क्या करोगे, जो कि जे को घुमाओगे किसके ऊपर, वायर के ऊपर, और कोई और पॉइंट आएगा जे डैश, जहाँ पे जी क्या सेव करेगा, जीरो सेव करेगा, हो जाएगा। देख लीजिए क्या लिखा था मैंने, व्हेन वी क्लोज द की के देन रेजिस्टेंस आर इज इन द सर्किट भी, रेजिस्टेंस आर इज इन द सर्किट, ओके, एंड जे डैश इज द पॉइंट Where G show zero deflection, J dash is the point where G show zero deflection. J dash वो point है जहाँ पे क्या show कर रहा है, G zero show कर रहा है। फिर वही condition आ गई कि potential of A became equal to potential of J dash भी, yes or no? लिख दीजिए इस line को, it mean that potential of A became equal to potential of J dash, became equal to potential of J dash, equal potential पे current flow नहीं करेगा, yes or no? अब की बार क्या use करेंगे, first principle का use करते हुए, जो answer है मेरा A J dash, उसका value कितना माना जाता है, कोई length होगा भाई, वो भी L2 मान लेते हैं, A J dash कितना है L2, what is the value of, sorry, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर भाई, क्या लिखोगे अब की बार, क्या वी रहा, ई रहा उसका भी,
तो यूज्ड हो गया भाई आर के अंदर, कितना आएगा वी इज इक्वल टू के एल टू, इक्वेशन सेकेंड भी समझ में आ रहा है? यस भी, अच्छा हो गया भाई, वी इज इक्वल टू के एल टू डिवाइडिंग डिवाइडिंग वन बाई टू, क्या लिखोगे ई बाई वी इज इक्वल टू बताओ एल वन बाई एल टू, के से के काट दें एल वन बाई एल टू। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस भी, कुछ याद है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू, अगर याद हो ई माइनस वी, ई बाई वी माइनस वन इंटू आर, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था इसको, ई बाई वी माइनस वन इंटू आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई बाई वी? एल वन बाई एल टू, तो आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू आर वी। क्या आपको एल वन एल टू पता है? बाई यूजिंग स्केल निकाल सकते हैं वैल्यू भाई। क्या आपको आर पता है? ये बार जोड़ रखा मैंने, क्या हम निकाल सकते हैं आर का वैल्यू? इजीली निकाल सकते हैं, यस आर नो? सब कुछ पता चल गया मेरे को, एल वन एल टू पता है, आर भी पता है, पुटिंग इन द फार्मूला सॉल्व द आंसर्स भी, यस आर नो? दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर्स। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, difference by using किसकी तरफ से? पोटेंशियोमीटर। वही अभी क्लास पोटेंशियोमीटर की मल्टीपल वायर को हम क्या दिखाएंगे? सिंगल वायर की तरह दिखाएंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? एक बैटरी, एक एमीटर, यहाँ पे क्या ले लेते हैं? ए पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है? बी। यहाँ पे जोड़ते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी, ये सेट की जगह पे। कैसा क्यों किया? अब की बार को वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस। ये भी क्या है? इट्स ए वेरिएबल रेजिस्टेंस भी। वो भी क्या था? वेरिएबल था, उसमें हम करंट को कंट्रोल अपने हिसाब से कर रहे थे। लगे पता नहीं चल रहा था कितना रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं हम लोग, अब पता चलेगा रेजिस्टेंस भी कितना यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो क्या लगा दिया मैंने? रेजिस्टेंस बॉक्स, कोई फर्क नहीं है, ये रियोस्टेट की तरह कहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको वैल्यू चाहिए कि कितना ओम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो करंट को कंट्रोल करने के लिए, भाई लगा दो उसकी जगह पे। जरूरत नहीं है तो सिंपल क्या लगा दो? रियोस्टेट लगा दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो भाई, यहाँ पे लगा लेते हैं एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर, और पैरेलल में लगाता हूँ एक और बैटरी, यहाँ पे लगा लेते हैं की। ओके, और यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग हमेशा? एक जी। जी क्या है? गैल्वेनोमीटर। ये जो की जी स्केल बना हुआ है वही सही है कि नहीं है? इस तरह स्केल बनाते हैं, यहाँ पे वन मीटर का स्केल होता है जो रीडिंग मापेगा यहाँ से। एनी प्रॉब्लम भाई क्लास? कुछ फर्क है पहले डायग्राम में इस डायग्राम में? है भाई थोड़ा फर्क है, बताएंगे क्या फर्क है। अब प्रॉब्लम क्या है? इसका ईएमएफ ईम ले लेते हैं, अभी इसका यूज करना पड़ेगा मेरे को, पहली बार यूज करेंगे इसका। इसका भी ई है तो इसको ई वन ले लूँ, कितने ले लेते इसको? E1। पहले मैं यूज नहीं किया इसलिए मैं सिंपल इसको ले लिया था, उसको छोड़ दिया था। अभी कर लोगे ये टॉपिक? क्या देखिए, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर वे टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, टॉपिक तो यही है एक्चुअल में, लेकिन सिलेबस में नहीं है। तो एक्चुअल में तो काम कैसे कर रहा है ये बताएंगे अभी आपको यहाँ पर। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर्स। डायग्राम देखो, कनेक्ट
कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एज हियोजिन डायग्राम भी, कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एज हियोजिन डायग्राम, सिंपल। आगे लिखिए, देखो भाई इसमें बताएगा करना कैसे टॉपिक आपको, मैं पहले बता चुका हूँ। पहले क्या करो, की को ओपन रखो भाई, ये एक्सपेरिमेंट की तरह कैसे करेंगे इसको, की को ओपन रखिए। तो कौन सी बैटरी काम कर रही है अभी, एक ही बैटरी है अभी, कौन सी बैटरी, की। अब जॉकी को लीजिए, जॉकी को लेके क्या करो, एक बार यहाँ पर टच करो, एक बार यहाँ पर टच करो, क्या फ़र्क दिखेगा आपको, कि जो जी की रीडिंग है अभी, नीडल जीरो बीच में होती है, सुई जीरो क्या होती है उसकी बीच में, जब इसको ये नहीं है, मेरा अरेंजमेंट नहीं है, तो सिर्फ ये बैटरी काम कर रही होगी, ये चेक ही करने के लिए आपका डिवाइस सही जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। क्या चेक करना है, जॉकी उठाओ, ए पर रखो, रीडिंग एक तरफ आएगी पूरी, बी पर रखो दूसरी तरफ आनी चाहिए अभी, अगर ये हो रहा है तो आपका डिवाइस सही तरीके से जुड़ा हुआ है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको भी, कोई लिखने की जरूरत नहीं आपको इस पॉइंट को, कर लोगे, ये सिर्फ समझने के लिए होता है टॉपिक, दो लाइन का टॉपिक है मेरा, हो जाएगा अभी, ये पहला टॉपिक होना चाहिए था, अभी निकालते कैसे हैं, तो समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, पहले चेक करेंगे जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, की को क्लोज कर देंगे, क्लोज की किया तो क्या हुआ, बैटरी E1 किस में आ गया, सर्किट में आ गया अभी, यस और नो, तो बैटरी E1 ड्रॉप होगा आर के थ्रो भी, और बाकी जाना चाहिए, यस और नो। अब हम क्या करेंगे, जॉकी को कहाँ घुमाएंगे, वायर पे घुमाएंगे, और वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे क्या शो कर रहा होगा, ये जी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी आपको हर कंडीशन में बैलेंस करना ब्रिज को भी, यस और नो। अब जब जी यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब क्या बोलेंगे, जो पोटेंशियल ए का है वही जे का है, या फिर बोल सकते हैं जो पोटेंशियल इस वायर का है वही इस वायर का भी है, दोनों बात मैं बोली थी आपको, लिखवाई थी उस टाइम मैंने, दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल ही तो निकालना है, समझ में आया कि नहीं आया, तो टॉपिक सोल्व हो गया मेरा भाई, मेरे तो क्या निकालना है, पोटेंशियल ही तो चाहिए हमको, बराबर ही को करना है दोनों तरह की वैल्यूज को, आंसर कंप्लीट, समझ में आया कि नहीं आया, लिख लीजिए, लिखो, मैं डायरेक्ट लिखवाता हूँ, वैन वी लिखवा दी ना, वी कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स भी, आगे लिखिए, देन क्लोज द की के, क्लोज द की के, की को क्लोज कर दीजिएगा अभी, तो क्या होगा, देन बैटरी E1 इज इन द सर्किट भी, बैटरी E1 किस में चली गई, सर्किट में आ गई है, यस और नो, बैटरी E1 इज इन द सर्किट एंड सम वोल्टेज इज ड्रॉप, सम वोल्टेज इज ड्रॉप अक्रॉस R, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुई R के अक्रॉस भी, समझ में आया कि नहीं आया, सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, एनी प्रॉब्लम क्लास, समझ में आ रहा है, एंड जे इज द पॉइंट, जे इज द पॉइंट वेयर जी शो जीरो डिफ्लेक्शन भी, जे इज द पॉइंट वेयर जी शो जीरो डिफ्लेक्शन, ऐसा करते हैं क्योंकि ये बॉक्स भी यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका रेजिस्टेंस भी होगा, इसको आर मान लेते हैं भाई, इसको आर मान लेते हैं इसके हिसाब से, E1 के हिसाब से, तो मैंने क्या लिखवा था, सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 भाई, R1 लिखिएगा, ओके, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड जी, जे इज द पॉइंट वेयर जी शो जीरो डिफ्लेक्शन, एनी प्रॉब्लम क्लास, अगर ये कंडीशन आती है तो AJ का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा भाई, AJ बराबर किसके, L ले लेता हूँ, एक रीडिंग आनी है तो L ले लेते हैं सिर्फ इसके लिए, तो कितना आंसर आएगा, V यूज करूँ कि E यूज करूँ, ड्रॉप हो रहा भाई, यूज हो रहा है, तो क्या यूज करोगे इसका, पोटेंशियल डिफरेंस यूज करोगे ना कि इसका EMF, सही है कि नहीं है, तो कितना आया, V इज इक्वल टू KL, एनी प्रॉब्लम क्लास, अब तो कोई दिक्कत है भाई, ये तो पहले भी यूज कर रहे हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, हमको यही निकालना है व्हाट इज V, ये है मेरा मेन पॉइंट कि V कितना है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरी, अब निकाले कैसे, अब देखो भाई आपको पता है कि मेरे पास मल्टीपल वायर है भाई, जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ बढ़ेगी उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए,
वेस्टिंग टोन का भी है जो अलग यूज़ किए हम लोगों ने, किसके अलग यूज़ किए हुए हैं, मैग्नीज और कॉन्स्टेंटेंट के यूज़ किए हुए हैं, वेस्टिंग टोन भी रखते हैं, मान लेते हैं अभी। लिखिए लेट आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर भी, पोटेंशियोमीटर वायर जितनी भी वायर हमने यूज कर उस रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं आर। ओके अब देखो सर्किट में क्या क्या यूज हो रहा है भाई, पूरे सर्किट के अंदर क्या आर यूज हो रहा है, आर वन ई वन कहाँ यूज हो रहे हैं, इसमें तो करंट की वैल्यू जीरो है भाई, करंट ही नहीं है, कहाँ यूज हो रहा है, हमने क्या लिया था जेड इज द दैट पॉइंट वेयर जी से जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब क्या है इस पूरी वायर से करंट ही नहीं है, जब करंट ही क्यों लगा रखा है हम लोगों ने, हटा देते हैं इसको, ये सर नो ये पूरा सेशन यूज ही नहीं हो रहा भाई, यूज क्या हो रहा है सिर्फ ये वाला सेशन यूज हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में से, तो ये सर नो बैटरी यूज हो रही है, रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस यूज किया जा रहा है, अगर मैं चेक करूँ नेट रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का भी कैसे निकलोगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना भाई, आपको क्या दिखता है रेजिस्टेंस के अंदर कि ये रेजिस्टेंस तो यूज ही नहीं हो रहा भाई, इसमें तो करंट की वैल्यू जीरो हो गई है, इसको लगाओ ना लगाओ कि फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, इस चीज़ को कर लोगे। दूसरी बात है इस वायर का रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है आर, स्मॉल आर यूज़ किया हम लोगों ने, और बाहर जुड़ा हुआ है आर के साथ भाई, ये भी सीरीज में है, करंट कितना हुआ, कितना हुआ आर प्लस आर भाई, सीरीज में तो हैं यस आर नो, और सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है भाई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन द पूरे इसमें कितनी करंट की वैल्यू है भाई, आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल, दो करंट इज इक्वल टू कितना, इसका मैक्सिमम कितना ई, रेजिस्टेंस कितना आर प्लस आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, इतना हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर भी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर उसमें कितना होगा, आपको याद है सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, हर एक का निकालते हैं वी वन का भी, वी टू का भी, वी थ्री का भी, वी फोर का भी, याद है कि नहीं है, तरीके वही रहेंगे अभी, दो बोल दिए, दो हैं रेजिस्टेंस कौन सा, पोटेंशियोमीटर वायर का और बार वाला का, तो इनका पोटेंशियल वाला होना चाहिए, और टोटल मिला के कितना पोटेंशियल होगा, ई ही होगा, इसलिए मैंने ई डायरेक्ट यूज़ कर लिया हूँ, कभी इसका यूज़ करता कितना आता वी वन, इसका यूज़ करता तो वी टू, ये सर नो पूरा कितना भाई, करंट तीनों के लिए सेम है, कई बच्चों को यहाँ पे होगी कन्फ्यूज कि यहाँ पे वी क्यों नहीं यूज़ किया मैंने, जबकि आर ड्रॉप हो रहा है वहाँ से, तो आर से ड्रॉप हो रहा करंट भी, याद है आपको सीरीज कॉम्बिनेशंस में हमने ऐसे लिखा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वन आई आर वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी टू आई आर टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नेट आई आर एस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन थ्री केसेस भी, इसका कितना वी वन बाई आर वन, वी टू बाई आर टू, इसका भाई वी बाई आर, वी क्या है नेट तो है, नेट क्या है ईएमएफ है भाई, यस आर नो, सीरीज में फर्क नहीं पड़ता इस बात से, हर एक के लिए कितने वैल्यू है सेम है सभी के लिए, आई की वैल्यू तो आप नेट में निकालो तो इंडिविजुअल में निकाल लीजिए, हाँ वैल्यू क्या मिलेगा सेम मिलेगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे ई बाई आर प्लस आर लिख दिया भाई, न कि वी बाई आर प्लस आर, कुछ भी लिख दो एक ही बात, साफ हो रहे हो सीरीज भूल गए भाई, वहाँ पर लिखवा था वी इज इक्वल टू नेट वी, नेट वी मतलब क्या होता है ईएमएफ तो है भाई, कितना था आई आर, मैंने वही तो लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आर क्या था नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो वी बाई आर लिखना चाहिए मेरे को, वी बाई आर तो लिखा मैंने इन नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्या था भाई भूल गया मैं तो, क्या करवाना था, क्या लिखवा था, अभी लिखवा था कुछ नहीं, मना कर रहे हो, क्या लिखवा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियोमीटर वायर कितना भाई क्लास, इसको मैं आईआर ले सकता हूँ,
अरे वी इज इक्वल टू वाई आर, यस और नो? एक वी वन एक वी टू, करंट तो सेम ही रहना है. व्हाट द वैल्यू ऑफ करंट? व्हाट द वैल्यू ऑफ आई? आर प्लस आर इंटू आर. सही है कि नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर की वैल्यू कितनी थी? आई आर. आई रेजिस्टेंस, आई करंट है, कंप्लीट सीरीज में है, करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी सभी के लिए. स्मॉल आर द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर भी यही था. यस आर नो? इसमें मैंने आई का वैल्यू पुट किया था अभी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? कितना था? ई आर प्लस आर इंटू आर वी. ये वैल्यू हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. अगर आप बात करते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट की भी, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ भी यही था. या बोल सकता हूँ द फॉल इन द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ में. ये जो मैंने लिखाना है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, किस वायर का भी जो कंप्लीट यूज किया जा रहा है, ये सर ना, और वो डिपेंड किस पे कर रहा था? वी लेंथ पे कर रहा था, जो आप लेंथ यूज कर रहे हो वायर का. ये सर ना, फर्स्ट इक्वेशन था ना, वी इज इक्वल टू के एल वी. एल यूज कर लिया, बच गया कौन? के निकाल लेते हैं. के क्या है? लिखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट भी. स्पेलिंग क्या होता है ग्रेडियंट की? डी आई पोटेंशियल ग्रेडियंट. के इज इक्वल टू, याद है क्या लिख सकते हैं? फॉल इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. लिख दूं डायरेक्ट भी? पर यूनिट लेंथ. सही है कि नहीं है? ओके तो कैसे लिखोगे इस इक्वेशंस को? कितना पोटेंशियल यूज कर रहा हुआ है आपका, यही है. तो कैसे लिखोगे के का वैल्यू? के इज इक्वल टू ई आर प्लस आर इंटू आर बाई एल कर दूं पर यूनिट लेंथ, वी बाई एल. सही है कि नहीं है? अब ये के का वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशंस के अंदर भी, जो हमको वी निकालना है एक्चुअल में भी कितना, बाय यूजिंग बैटरीज भी, सेकेंड बैटरी जो यूज थी हमारी. तो लिख लीजिए पुट इन द फर्स्ट इक्वेशंस भी. फर्स्ट वी इज इक्वल टू क्या था? के एल, याद है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? के का वैल्यू कितना भी? ई आर प्लस आर आर बाई एल इंटू एल वी. एल से एल काट दें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? V इज इक्वल टू ई आर प्लस आर इंटू आर वी. क्या क्या हो गया? तो वही आंसर आया. यस और नो? वही तो बोल रहे हैं, जब दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे तो करंट की वैल्यू जीरो होगी. समझ में आया कि नहीं आया? देख लो बराबर आगे.